हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों, और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राशिफल, जो कि लग्न पर आधारित है। तो इससे पहले मैं आपको आज का पंचांग बता देती हूँ। आज 13 जून 2018 है, मूलांक 4 बना है और भाग्यांक 3 बना है। मूलांक 4 का जो लॉर्ड होता है वो राहु होता है, और मूलांक 3 का लॉर्ड बृहस्पति होता है। आज जो बच्चे जन्म लेंगे उनके जीवन पर उनकी जन्म कुंडली का तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन इन मूलांकों का भी प्रभाव उन पर व्यापक स्तर पर पड़ेगा। अब मैं आपको पंचांग बताती हूँ। आज अमावस्या तिथि है, हालांकि ये कल चतुर्दशी तिथि का क्षय था और अमावस्या बाद में चालू हो गई थी, देरी से चालू हुई थी हालांकि, लेकिन कुछ लोगों ने कल भी पूरे दिन माना है, अमावस्या को माना है कल कुछ लोगों ने, पर मेरे हिसाब से पितृकार्य अमावस्या आज ही है। तो आज बुधवार है और रोहिणी नामक नक्षत्र है, चतुष्पद नामक योग है, और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, रात्रि को परिवर्तित होंगे, 12 बजे तक तो वृषभ में ही है चंद्रमा, और शाम 16:43 पर मृगशिरा नामक नक्षत्र होगा, और उससे पूर्व रोहिणी नामक नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो जिन बच्चों का आज जन्म होगा उनके जीवन में जो पहली महादशा आएगी वो चंद्रमा की आएगी, उसके बाद मंगल की आएगी, जबकि मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। और पूरे दिन जो बच्चे जन्म लेंगे उनका पाया स्वर्ण का है, सोने का पाया है। सोने का पाया ठीक ठाक मानते हैं, कई जगह तो बिल्कुल बेकार मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि लोहे का और जो चांदी का पाया होता है वही बेहतर होता है। फिर भी परेशान ना हो, बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और नामाक्षर जो बना है वा वी वु वे व, इस पर नाम रखना है बच्चों का। फिर भी नामाक्षर के लिए मेरे कुछ वीडियो अवेलेबल हैं, आप देखना, क्योंकि अगर ये राशियां अशुभ स्थान पर पड़ती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि किसी पंडित से परामर्श लेकर कोई शुभ नाम बच्चों का रखें जो कि उनके जीवन में प्रगतिवर्धक साबित हो, क्योंकि नाम का बहुत असर पड़ता है। नाम अगर अशुभ स्थानों के लॉर्ड पर पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल षष्ठेश्वर अष्टमेश्वर, तो प्रैक्टिकली जो मैंने हॉरोस्कोप का आंकलन किया है उसमें मैंने ऐसे जातकों को जीवन में बहुत परेशान होते हुए देखा है, तो उसी आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर ये बात मैं आपको बता रही हूँ। ग्रह स्पष्ट इस प्रकार है, ग्रह स्थिति इस प्रकार है, सूर्यदेव अभी वृषभ में है, चंद्रमा वृषभ में है ही, बुध देव मिथुन में है, शुक्र राहु कर्क में है, बृहस्पति तुला में चल रहे हैं, शनि धनु को सुशोभित किए हुए हैं, और मंगल अपना प्रकाश फैला रहे हैं मकर राशि में केतु के साथ बैठकर। तो ये तो था आपके जो ग्रहीय स्थिति है उसका विचार, और अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, जिसको मैं प्रारंभ करती हूँ मेष से, मेष लग्न से। सफलता के योग बने हैं, दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी हो सकती है, जीवन साथी का जो साथ है वो प्रभावित हो सकता है। वृषभ के लिए स्वास्थ्य का पाया थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन भीतर से एनर्जेटिक रहेंगे, मन में कुछ करने का जज्बा रहेगा, और कुछ ना कुछ काम आज आपके होंगे भी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग है, सूर्य देव बैठे हैं, सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे हैं, वृषभ के लिए सुखेश भी हैं, केंद्र के स्वामी पापी ग्रह होने पर शुभ फल देते हैं, तो ये स्थिति भी अपने आप में वर्क करेगी, तो इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और एनर्जेटिक भी फील करेंगे। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी ऐसा लगेगा कि भी फीवर हो रहा है या, लेकिन फिर भी कार्य क्षमता आपको बैठने नहीं देगी और कुछ ना कुछ काम तो आज आप करेंगे ही। मिथुन चतुराई से सभी काम निपटाएंगे, बहुत सूझबूझ चलेगी, नई नई प्लानिंग आएगी, नई नए लेखन के आइडिया आएंगे, जो व्यंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो हास्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कर्क विदेश यात्रा का योग बना है, विदेश यात्रा से मतलब इंडिया से अगर बाहर नहीं जाते हैं तो परदेश जिसको बोलते हैं, अपने स्थान से दूर यात्रा का योग बना है, और ये जो टाइम है अच्छा रहेगा, घर की साफ सफाई में भी समय व्यतीत होगा, तो आज का दिन ठीक है। सिंह भोग विलास मौज मस्ती का योग बन रहा है, लेकिन अपने आप को संयमित करके चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि चरित्र पर ही कोई दोषारोपण लगा दे, तो थोड़ा संभल कर कार्य कीजिएगा, एक लिमिट में रहकर कोई भी काम कीजिए। अब हम बात करते हैं कन्या के लिए। कन्या के लिए शुभ समय बना है, जो काम आज करना है कर डालिए, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाला समय बना है, तो समय को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंप्लीट योर वर्क टुडे। अब मैं बात करती हूँ तुला की।
कुछ ना कुछ परेशानी विचलित करती रहेगी, प्रॉब्लम चलती रहेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, क्यों परेशान हो रहे हैं। क्योंकि तुला वालों पर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और तुला वालों की सबसे खासियत ये रहती है कि परिवार को साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनके व्यक्तित्व में दोहरी कई चीज़ें मैंने ये भी देखी हैं कि लड़ाई झगड़ा भी घर में हो जाता है, क्लेश भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों से भी लड़ाई हो जाती है उनसे भी इनका मोह छूटता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने मोह को ख़त्म कीजिए। मोह से मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाइए, लेकिन ऐसे मोह जो आपके जीवन में बाधा पैदा कर रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए लाइफ के अंदर। वृश्चिक, पत्नी को कोई कष्ट इत्यादि हो सकता है, पत्नी को कोई समस्या हो सकती है, तो थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना है। धनु, चालाकी और कूटनीति से आज काम बनाएंगे, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कीजिए और जो जीवन में पाने के लिए आए हैं उसको प्राप्त कीजिए, आज दिन अनुकूल है। अब मैं बात करती हूँ मकर, क्रोधी स्वभाव रहेगा, गुस्सा रहेगा, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होंगे, दो टुक जवाब दे देंगे, ये परवाह ही नहीं करेंगे कि किसी को बुरा भी लग सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा नियंत्रित करिए। कुंभ, खर्चे का योग बना है, खूब खर्चा होगा, घर में कोई सुख सुविधा के साधन आने की संभावना है और उम्मीद भी है। मीन के लिए शुभ रहेगा और पराक्रम में वृद्धि होगी, आज कोई ना कोई नई प्लानिंग करेंगे, छोटे भाई बहनों के सहयोग से भी काम बनते हुए देखे जाएंगे आज। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। You know it's totally free.